हेलो दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा विभाग की आज के न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के अकॉर्डिंग अपडेट देखने को मिल जाएंगे। बोर्ड परीक्षा 14.22 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का होगा मूल्यांकन। तो यहाँ पर बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले हैं 4,500 शिक्षक। बोर्ड परीक्षा का उत्तर जो पुस्तिकाएं हैं उसका मूल्यांकन करने वाले हैं, और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 12, और हाई स्कूल के लिए यहाँ जो है मिलेंगे 10 रुपये। तो 12 और 10 रुपये मिलने वाले हैं हर एक कॉपी के लिए। और प्रदेश के जो 29 केंद्र थे उनका मूल्यांकन आज से इस बार यहाँ पर 2.59 लाख छात्र छात्राएं ने यहाँ परीक्षा में दिया है, और इसके लिए यहाँ पर आज से शुरू हो चुका है यहाँ पर मूल्यांकन। और वहीं बात करें यहाँ पर दुर्गम से ज़्यादा यहाँ पर जो है शिक्षक सुगम में लाए जाए, तो यहाँ पर दुर्गम से ज़्यादा सुगम में लाए जाए इसके लिए बताया गया है। और तबादला नीति को मंजूरी से यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग की राह सरल, और हर स्कूल में छात्र संख्या से ज़्यादा शिक्षकों के तबादले प्राथमिक से यहाँ जो किए जाएंगे। और वहीं बताया गया कि क्लस्टर जो स्कूल हैं उनको दूर होंगे शिक्षकों की कमी, तो शिक्षकों की कमी दूर करने को लेकर जो क्लस्टर स्कूल हैं उनको बात कही गई है, और कहा गया कि लगभग 1500 जो क्लस्टर स्कूल बनाने का निर्णय ले चुके हैं, और अब यहाँ पर कम छात्र संख्या वाले जो स्कूल्स होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा, और उसके हिसाब से यहाँ जो है उन पदों पर जो है शिक्षकों को भरा जाएगा। और वहीं बात करें उत्तराखंड के 142 स्कूल बनेंगे पीएम श्री स्कूल, तो अब 142 स्कूल यहाँ पर पीएम श्री स्कूल बनने वाले हैं। कहाँ पर कितने स्कूल बनने वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, नगर में 17 और चमोली में देख सकते हैं। यहाँ पर कुल अगर अगर बात करें तो हर एक जनपद में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। और 132 स्कूल में से यहाँ पर जो है प्रथम चरण में यहाँ पर जो है केंद्र ने 142 मंजूरी यहाँ पर जारी कर दी गई है, और 5 वर्ष के प्रोजेक्ट में यहाँ पर जो है प्रत्येक स्कूल को यहाँ पर जो है हर वर्ष यहाँ पर जो है 40 लाख यहाँ पर मदद मिलेगी। तो केंद्र की ओर से हर वर्ष 40 लाख यहाँ पर दिया जाएगा, और पीएम श्री योजना के तहत यहाँ पर शिक्षा में सुधार करने की बात कही गई है। और वही बात करें यहाँ पर शिक्षण संस्थान में अनिवार्य होगा आंतरिक लोकपाल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देश में बताया गया है कि यहाँ पर सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ पर जो है छात्रों की शिकायत को लेकर लोकपाल निवारण करेगा। अब इसके लिए यहाँ पर यूजीसी ने शिकायत निवारण अधिनियम 2023 को अधिसूचित कर दिया गया है, और इस अधिसूचित में अब आपका शिकायत का मौका मिल सकेगा। पुराने बैंक से बहाली को लेकर जो है संकल्प लिया गया है, तो लगातार इनकी मांग चली हुई है। डीएवी में हजारों छात्रों का यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा जमा, तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएवी कॉलेज में हजारों छात्रों के संचय की 50 लाख से ज्यादा यहाँ पर रकम हो चुकी है, जो कि यहाँ पर छात्रों को वापस नहीं मिल पाई है बताया गया है। और छात्रों ने सिस्टम में जो है सुधार को लेकर मांग उठा भी रखी है। और वहीं बात करें 57 से अधिक उम्र वाले शिक्षकों को भी यहाँ पर मिलेंगे टैबलेट, तो अब सभी जो लगभग 57 से प्लस हो चुके हैं उनको भी यहाँ पर जो है टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, और टेबल खरीदने के लिए यहाँ पर जो है टैबलेट खरीदने के लिए यहाँ पर जो है प्रत्येक शिक्षक को मिलेंगे 10,000 रुपये, तो प्रत्येक शिक्षक को 10,000 मिलने वाले हैं। और UGBNL में जो है मोबाइल मिलेंगे, तो यहाँ पर UGBNL में भी 15,000 से लेकर 35,000 की कीमत तक जो है मोबाइल फ़ोन मिलने वाले हैं अधिकारियों को। और वहीं बात करें यहाँ पर 16 किताबें जो है निजी पब्लिकेशन की खरीदने का बना रहे दबाव, तो यहाँ पर लगातार जो है प्राइवेट स्कूल वाले अब निजी किताबों खरीदने के लिए का दबाव बना रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए यहाँ एनसीईआरटी की किताबें शामिल कर रहे हैं निजी स्कूल, बाकी सारी की सारी जो कॉपी किताबें हैं वो आपके प्राइवेट चल रखी है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी निजी पब्लिकेशन की चल रखी हैं। और निजी स्कूल में जो है कक्षा 8 की किताबें देख सकते हैं, वह ये कक्षा 8 की किताबें ये रखी गई हैं पब्लिकेशन में। और 20 की सूची में जो है सिर्फ 4 किताबें एनसीईआरटी की बताई गई हैं, बाकी सारे प्राइवेट लगा रखे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय पीएसडी प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी हो चुकी है, 8 अप्रैल को हुई थी परीक्षा, और 19 तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। तो यहाँ पर अगर आपको आपत्ति किसी भी आंसर में, तो विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाने के बाद आप अपना जो है प्रत्यावेदन कर सकते हैं किसी प्रश्न में आपको गलत लग रहा है, तो इसके आंसर की जारी हो चुकी है जो भी पीएसडी की परीक्षा दी थी। कोरोना अपडेट के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में 108 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, और एक की मौत भी हुई है। देहरादून में जो है सबसे ज़्यादा 53 संक्रमित मिले हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर मूलधार में जो है बाघ के दहशत से स्कूल यहाँ पर बंद कर दिया गया है, जो कि कोटद्वार की बात है। और उत्तराखंड के 142 जो स्कूल्स हैं वो पीएम श्री बनने वाले हैं, इसके लिए कहाँ पर कितने स्कूल हैं वो पूरा ब्यौरा दिया गया है। और यूएस नगर में सर्वाधिक रुद्रप्रयाग में सबसे कम जो है पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं जेल रक्ष बंद रक्षक के शारीरिक परीक्षा को लेकर, तो 15 मई से यहाँ पर शुरू होंगी परीक्षाएं। तो यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो आपका 15 मई से शुरू होनी है। आयोग की वेबसाइट से आप अपना प्रवेश पत्र नया वाला डाउनलोड कर सकते हैं, पहले अलग थी, डेट चेंज कर दिया गया है। हरिद्वार में 2022 और यहाँ पर सॉरी हरिद्वार में 20, 22 और 23
मुख्य परीक्षा। तो यहाँ पर 3 दिन आपका परीक्षा होनी है और इसका चेंज कर देगा हर एक दिन पर, आप लोग इसके ऑफिस साइड में जाकर चेक कर सकते हैं। गोविंद बल्लभ राष्ट्रीय हिमालय पर्वत संस्थान, यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, एक पद के लिए ऑनलाइन रखा गया है, इसमें यहाँ पर वेबसाइट में जारी करा गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी जो पोस्ट है वो आपके प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, एक पद है, साक्षात्कार के माध्यम से रखा जाएगा 25 को, ठीक है। और वहीं बात करें यहाँ पर कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी इंडोर स्टेडियम बागेश्वर, तो यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है इंडोर स्टेडियम बागेश्वर में, यो ठीक है, खेल का नाम योगा कबड्डी, इस तरह यहाँ पर संजीव खेल, अच्छा खेल प्रशिक्षण होने हैं यहाँ पे। और वहीं बात करें यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर के 253 पदों पर साक्षात्कार 25 अप्रैल से, तो 253 पदों की भर्ती का जो यहाँ पर साक्षात्कार होगा 253 पदों पर, वो आपका 25 अप्रैल से होगा। इसके लिए उत्तराखंड के चयन बोर्ड की ओर से, जो चिकित्सा चयन बोर्ड है, उसने यहाँ पर डेट जारी कर दिया गया हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर कार्यालय जिला क्रीड़ा उधम सिंह नगर, यहाँ पर बताया गया कि खेल कार्यालय में उधम सिंह नगर में इसके अंतर्गत जो है खेल प्रशिक्षण के शिविर संचालित किए गए हैं, तो अलग अलग खेलों के हिसाब से यहाँ पर खेलों के नाम है ये प्रशिक्षित करने को लेकर यहाँ पर 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, 20 अप्रैल तक आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। बात करें यहाँ पर सेवायोजन कार्यालय की ओर से, बागेश्वर ने यहाँ पर 18 अप्रैल को एक बागेश्वर जनपद में ही आपका जो है जिला सेवायोजन अधिकारी की जो ऑफिस है वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के पदों के लिए, यहाँ पर जो शेड्यूल उद्योग में आपको जॉब देगा, 18 से लेकर 30 वर्ष के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, 9 से लेकर 15 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी, 200 पोस्ट आपको नियमित रहेंगे और 5 अस्थायी तौर पर रहने वाले हैं। इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है प्राइवेट में, तो ट्राई कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बात करें तो यहाँ पर सहायक अध्यापक के टोटल 28 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं, इसमें कैटेगरी वार देख सकते हैं, 14 पोस्ट आपके यहाँ पर टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और यहाँ पर 5 पोस्ट SC के हैं, 1 पोस्ट ST का है, OBC के 4 हैं, EWS के 3 हैं, 1 पोस्ट यहाँ पर PH वालों के लिए है, इसमें BEd वाले का अप्लाई कर पाएंगे जिसने विशेष शिक्षा में आप जो है BEd किया हो, स्नातक किया हो, और UTET या CTET आपने यहाँ पर किया हो, और साथ में यहाँ पर 21 से 22 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। और ये ऑफलाइन तरीके से है, इसकी डेट अगर बात करूँ तो लास्ट डेट आपका यहाँ पर होगा 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है, और फॉर्म का फॉर्मेट आपको इस तरह का मिलेगा, ये फॉर्म आपको ऑफलाइन तरीके से मिलेगा, किसी भी आप फॉर्म विक्रेता से आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा, 30 रुपये का डाक टिकट लगने वाले हैं, और ये रजिस्टर पोस्टर आप कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब लेटर को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं AIESL, यहाँ पर 23 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, इंजीनियर ट्रेनी इंस्ट्रक्टर की, इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और ये 45 हज़ार से लेकर 60 हज़ार के बीच प्रति माह मिलेगा। ऑफलाइन माध्यम से वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। BSEL में रोजगार मिले हैं 10 पोस्ट के लिए, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, आवेदन शुल्क 200 रुपये रखा जाएगा, 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। AIATSL यहाँ पर 495 पदों पर निकाली गई है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, इसके लिए आपके यहाँ पर 12वीं 10वीं अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, और वॉक एंड इंटरव्यू होगा, इसके लिए 17, 18, 19, 20 को आपका इंटरव्यू होगा, वेबसाइट यहाँ जारी कर रखा है, यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं पूरा पूरा 500 रुपये चालान देकर। और यहाँ पर देखते हैं भारत पर्यटन विकास निगम में भी निकल के आ रखे हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान यहाँ पर निकल के आ रखे हैं, और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंदर पोस्ट निकल के आ रखी है, यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं अभ्यर्थी।